अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज नए व्लॉग का आगाज करती हूँ मैं आपके साथ। और ये देखें, जैसे कि मैंने इससे पहले वाला व्लॉग शूट किया था, आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि हम वेडिंग में गए हुए थे मेरठ, और एक दिन का हमने रेस्ट लिया था यहाँ पर, और इसके अगले दिन नेक्स्ट डे था रिसेप्शन और वेडिंग भी थी, तो हमें वहाँ भी जाना था। तो अभी फ़िलहाल हम उठ गए हैं क्योंकि हम रात काफ़ी लेट आए थे, तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगे हैं सभी मिलके। और ये देखें, हम अभी उठ के आए हैं जस्ट। मेरे हस्बैंड उठ गए थे बट मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, और मेरी सिस्टर ने नाश्ता वगैरह तैयार कर लिया है और सारी क्लीनिंग भी कर ली थी ऑलमोस्ट। और ये देखें, यहाँ पर कई सारे प्लांट हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, इसीलिए ये पॉट जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं। बट ये जो हमारी एली है क्यूट सी, वो सब उसने बर्बाद कर दिया है, सारा कुछ उसने तोड़ के प्लांट्स ख़राब कर दिए हैं। और अभी आ गई हूँ मैं अपने भाई के रूम में। एक्चुअली अभी तो इस रूम में वो ही ज़्यादा रहता है कि यहाँ पर बहुत कम आना होता है, नीचे ही रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर हम। ये सेकंड फ्लोर का रूम है और यहाँ पर हम ज़्यादातर टीवी वगैरह देखना होता है, कोई मूवी वगैरह देखने के तब हम यहाँ आते हैं। और ये देखें, अभी फ़िलहाल इन्होंने ब्रश किया है, मेरी सिस्टर ने, वो भी फ्रेश हो गई है, तो ये दोनों बैठे हुए हैं। और जो मेरी छोटी वाली सिस्टर हैं वो अभी ब्रश वगैरह कर रही हैं, फेस वॉश कर रही हैं, तो अभी मैं उन्हीं के साथ बैठूंगी नाश्ता करने के लिए। इतने थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट कर रही थी। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस तरह से वीडियो मैंने आज पहली बार बनाया है, तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, इस तरह से अगर मैं शूट करूँ तो। और हम सभी यहाँ पर साथ बैठकर नाश्ता करने लगे हैं, और ये छोटी वाली सिस्टर भी आ रही हैं हमारे साथ नाश्ता करने, और अम्मी मेरी नीचे थी अभी, और अम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही थी अभी, तो वो भी नहीं आई थी, तो हम ही नाश्ता कर रहे थे। और पापा और मेरा भाई हैं, वो दोनों शॉप पर थे, और हम सभी बैठकर करने लगे हैं नाश्ता। तो आ जाइए, आप भी सभी नाश्ता कर लीजिए हमारे साथ। और हमने नाश्ता कर लिया है, और ये देखें इतनी क्यूट सी एली, इतनी भोली सी सूरत, ये यहाँ पर बैठी हुई है मेरे बेटे के साथ, और ये दोनों उठ चुके हैं और इन्होंने नाश्ता नहीं किया है दोनों ने ही, और ये अभी भी यहाँ पर लेजी मूड में पड़े हुए हैं। और जैसे ही हमने नाश्ता वगैरह फिनिश किया और दोपहर हो गई थी, तो अभी हमने यहाँ पर आ गए थे मार्केट, कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमें लेनी थी, मेरी सिस्टर और मैं, हम सभी आए हुए थे। और शाम में हम सभी बैठकर खाने लगे हैं खाना, और ये देखें अभी हम डिनर करने लगे हैं। लंच मैं शूट नहीं कर पाई थी, और अभी अम्मी भी आ चुकी हैं हमारे साथ, और ये देखें ये क्यूट सी बेटी है हमारी, प्यारी सी, मेरी सिस्टर की बेटी है, और ये अपने खालू जी के पास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं उनके पास, तो वो लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि फिर अपनी मम्मा को बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करने देते, खाना नहीं खाने देते हैं, तो इसलिए वो लेकर बैठे हुए थे अपने पास ताकि उसकी मम्मा अच्छे से खाना खा लें, और वो उनके पास बैठ कर खा लेती है ईजीली। और हम चल दिए हैं रिसेप्शन में नेक्स्ट डे, और हम दोपहर से ही रेडी होने लग गए थे, और यहाँ पर हम सभी आए थे, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर नीचे उतर गए हैं, और माशाल्लाह दोनों कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, और ये मेरे जीजू आ गए हैं, तो अब ये दोनों बाइक से जाएंगे और पापा हमारे साथ आ गए हैं गाड़ी में। और इन दोनों के लिए, जीजू तो घर से जैकेट पहनकर आए थे, और हम ये हापुड़ में ही रुके हुए हैं, और जीजू यहीं से आए हैं, हम वेट कर रहे थे इनका रास्ते में रुकने के बाद। और मेरे हस्बैंड की भी जैकेट हम लाए थे रख के, मैं लेकर गई थी, और बाइक पे बहुत ज़्यादा हवा लगती है इसलिए, तो अभी इन्होंने जैकेट पहन लिए निकाल कर, और अभी ये दोनों जाने लगे हैं, और ये हमसे पहले पहुँच चुके थे वहाँ पर रिसेप्शन में,
मैरिज हॉल में, वहाँ हमसे पहले पहुँच गए थे, मिनिमम 20 मिनट हमसे पहले पहुँच गए थे, और अभी हम जाने लगे हैं सभी। ज़्यादा अच्छा हमारा सफ़र रहा कि आज हमारे साथ पापा थे, तो हम पापा के साथ अम्मी के साथ बातें करते हुए जा रहे थे, और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया शादी में भी वहाँ जाने के बाद। और साथ में एक साथ जब हम जाते हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी से हम मेरठ पहुँच गए थे और बहुत हमने एंजॉय किया, काफ़ी हमने मज़े किए वहाँ पर। और मेरी सिस्टर भी हमें वहाँ पर मिल गई थी, आगे मैं आपसे शेयर करूँगी, उनकी भी मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं अपने साथ, और बहुत ज़्यादा मज़ा किया हमने। मेरे हस्बैंड और जो मेरे जीजू थे वो आगे निकल गए थे काफ़ी, तो वो हमें नहीं नज़र आ रहे थे दूर दूर तक। और ये देखें काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखें कुछ फ्लावर्स की शॉप थी तो मैंने शूट किया था, बट मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में किया है तो नहीं आपको नज़र आ रही होंगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता। और हम वहाँ पर ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके थे, और ये देखें हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हम नीचे उतर गए हैं सभी, और ये मेरे जीजू भी आ गए थे क्योंकि उनकी सिस्टर का यहीं पर रिसेप्शन था, और एक यहाँ पर शादी भी थी बेटी की, तो यहाँ पर एक शादी भी थी और रिसेप्शन भी था, तो यहाँ पर ये दहेज लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा दहेज था और काफ़ी अच्छे से इन्होंने सजाया हुआ था माशाल्लाह। उसके बाद हम अंदर गए और हमने सिस्टर को देखा तो वो नहीं मिली यहाँ पर, और ये देखें काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, और खाना खुल चुका था तो सभी गेस्ट जो हैं वो खाना वगैरह खा रहे थे, और शायद से बारात भी आ गई थी, और रिसेप्शन के भी जो गेस्ट थे वो भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड था। तो अभी फ़िलहाल हम नीचे आने लगे हैं, और सिस्टर भी हमारी जो थी वो नीचे ही मिल गई थी हमको, और वो अपनी सिस्टर इन लोग के पास बैठी थी शायद ऊपर, वो फिर नीचे आ गई थी तो वो हमें नीचे ही मिली थी। और ये देखें इस कदर क्राउड था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर हमने कुछ टिक्की वगैरह खाई थी, और गोलगप्पे हमें नहीं मिले गोलगप्पे हमें नहीं मिल पाए थे, और काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी यहाँ पर लाइंस लगी हुई थी। देखें और ये बहुत ही प्यारी मेरी सिस्टर की बेटी है जो अपने डैडी के पास ये देखें खेल रही है बहुत ही ज़्यादा प्यार से, और ये देखें ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, और इतना ज़्यादा ये देखें कितनी क्यूट लग रही थी, और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो ये देखें उन्होंने कुछ उसके कान में बोला था तो फिर वो शांत हो गई थी, और यहीं पर मेरी सिस्टर भी हमें मिल गई थी, और ये सामने मेरे हस्बैंड बैठे हैं और एक जीजू बैठे हैं, और ये दूसरे वाले जीजू हैं मेरे, और ये देखें यहाँ पर खाना वगैरह हम खाने के लिए बैठे हुए थे, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने खाना वगैरह खिलाया था काफ़ी अच्छे से, और बच्चे हैं जो कि आइसक्रीम में ही लगे हुए थे, और ये मेरी सिस्टर हैं, और ये मेरा भाई है जो कि मेरी सिस्टर के बच्चे को वो आइसक्रीम खिला रहा है, और जिसमें कि मौसम बिल्कुल भी नहीं है बच्चों को आइसक्रीम खिलाने का, बट बच्चे नहीं मान रहे थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, आइसक्रीम कोल्डिंग से ही सभी लिए जा रहे थे और मना करने पर भी नहीं मान रहे थे। और यहाँ पर हम तीनों सिस्टर आ चुके थे खाना खाने के बाद, और ये वाली सिस्टर है मेरी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इनकी सिस्टर इन लोग का यहाँ रिसेप्शन था, और उन्हीं की
सिस्टर इन लॉ की आज वेडिंग थी, तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया है। साथ में हम पिक्स वगैरह ले रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। काफ़ी बड़ा मैरिज हॉल था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर ये देखें दूसरी वाली सिस्टर की मेरी बेटी है, और ये देखें ये अपने डैडी के साथ खेल रही हैं, ये दोनों खेल रहे हैं। इतना देर तक ये यहाँ पर खेले हैं, उसके बाद में हम मिलने लगे थे अपनी सिस्टर से, क्योंकि खाना वगैरह हमारा सब हो गया था। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठे थे, और ये दोनों, इतना सारा काम था इन दोनों को ना, इतनी शैतानी की है इन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये सारे जो वाटर जग थे ये सब इन्होंने खींच खींच के ना इन्होंने सब सफाया कर डाला है। बेचारों को गंदगी पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए बेचारे सभी चीज़ें समेट रहे थे यहाँ से। और अभी हम वापस जाने लगे हैं, और काफ़ी रात हो चुकी थी, यहाँ से भी हमें काफ़ी लेट हो गया था, और 1:30 बज गया था हमें यहाँ से, और भी ज़्यादा लेट हो गया था। और ये मेरी सिस्टर थी जिन्हें मेरा बेटा नहीं मिला था, और ये देखें खाला भांजे का प्यार, और ये हमसे मिल के फिर ये चली गई थी, और हम वापस आ गए थे, हम घर जाने लगे थे। और फिर मुझे पीनी थी कॉफ़ी, और मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ली हुई थी, तो मैं उसी को फिनिश कर रही थी, और अभी हम जाने लगे थे वापस। और यहाँ पर अभी पापा बैठे हुए थे, यहाँ पर कुछ अभी फंक्शन वगैरह रह गए थे, कोई चीज़ें कोई रस्में रह गई थी, तो अभी पापा यहाँ पर रुके हुए थे, तो हम वेट कर रहे थे पापा जी का। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके थे, सभी थोड़ी दूर पर आए थे, तो अभी सभी बच्चों की और हम सबकी फरमाइश थी कि हमें पीनी थी कोल्ड ड्रिंक, और ये आदत से मजबूर मेरा बेटा फ़ोन में लगे हुए हमेशा की तरह, यहाँ पर रुक कर फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी, और फिर हम चल पड़े। बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत लिया, चिप्स वगैरह, उसके बाद में हम यहाँ से निकल गए थे कुछ देर रुकने के बाद। और आज का व्लॉग आपको बताइएगा कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।